देखिए उसी से जुड़े हुए और क्वेश्चन बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, माने लैम्डा की वैल्यू बतानी है, सो दैट ताकि द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ताकि लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये तीनों कोप्लेनर हो जाएं। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कोप्लेनर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो जीरो आता है, तो इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वन माइनस वन और वन, यहाँ लिखेंगे टू वन माइनस वन, और लिखेंगे लैम्बडा माइनस वन और लैम्बडा, और इसके बराबर क्या रखेंगे, जीरो, तभी तो लैम्बडा निकलेगा। अब देखिए तो वन लेंगे यहां से, और ये छोड़ देंगे, तो आएगा लैम्डा और आएगा वन। भाई वन हो गया ये, और माइनस होता है तो ये वन आएगा। अच्छा फिर ये वाला वन लेंगे, ये लाइन गई ये गई, तो टू लैम्डा माइनस लैम्डा यानी कि प्लस लैम्डा वन, वन आएगा। ये लाइन गई, दो एकम दो, यहाँ पर टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा लैम्डा, और इसके बराबर जीरो। अब सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस वन, ऐसे ही रहा, ये हो गया थ्री लैम्डा, ये आपका हो गया माइनस टू, और ये हो गया माइनस लैम्डा। देख लो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ये माइनस लैम्डा माइनस टू और माइनस लैम्डा बराबर जीरो, तो ये हो गया थ्री फोर लैम्डा, और ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गए ये वाले, तो थ्री लैम्डा माइनस थ्री हो गए बराबर जीरो, तो थ्री लैम्डा बराबर थ्री, तो लैम्डा इक्वल टू वन। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो वन आएगी। अब इसी आधार पे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हम यही रूल लगाएंगे, लिखेंगे दो फिर माइनस एक फिर एक फिर लिखेंगे एक फिर दो फिर माइनस तीन फिर लिखेंगे लैम्बडा फिर लिखेंगे लैम्बडा और फिर लिखेंगे फाइव और इसके बराबर जीरो। दो यहाँ से आएगा, ये गई लाइन, दस प्लस थ्री लैम्बडा, यहाँ से आएगा वन, ये लाइन गई ये गई, पाँच एकम पाँच प्लस थ्री लैम्डा, फिर आएगा वन, वन आएगा और लैम्डा माइनस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये बचे लैम्डा, लैम्डा बचा, ये हो गए फाइव प्लस थ्री लैम्डा, ये हो गए बीस, सिक्स लैम्डा बीस हो गए, सिक्स लैम्डा हो गए, छः तीन नौ, नौ में से ये गया आठ लैम्डा, छः तीन नौ एक गया आठ लैम्डा, बीस और पाँच पच्चीस, पच्चीस इधर आ गए, लैम्डा इक्वल टू 25/8, ये आंसर आ गया लैम्डा का। तो इस तरह से हमने कोप्लेनर के आधार पर इन लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है तब लैम्डा की वैल्यू निकालना है। तो जब कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, और उस बेस पे हमने लैम्डा निकाल लिया, यानी कि अब हम ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखें यहाँ और यहाँ रख दें तो हमें रिजल्ट जीरो मिलने वाला है। ऐसे ही हम ये वैल्यू लैम्डा की यहाँ रख दें तो हमें जीरो रिजल्ट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी हमें लैम्डा निकालना है।
तो हमने सबसे पहले भाई हमारा नियम कि तीनों प्रोडक्ट का जीरो होना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट, तो हमने ये लगा दिया नियम। सबसे पहले उतारा 1, 2, -3, फिर हमने उतारा 3 लैम्बडा 1, फिर हमने उतारा 1, 2, 2, और आना क्या चाहिए, जीरो आना चाहिए। आएगा देखिए 1, ये छोड़ दिए हमने, तो ये होगा 2 लैम्बडा, माइनस के 2 हो गए, फिर आया 2, फिर ये गई लाइन, ये लाइन, तो 3 × 6 -1, फिर हमने लिखा 3, ये लाइन, ये हो गए हमारे पास 6 - λ = 0। ये हमारे पास बचे, ये इन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2λ - 2, ये हो गए 5, 5 × 2 = 10, ये हो गए 18, और ये हो गए प्लस के 3λ = 0, ये हो गया 5λ, यहाँ लिख दिया 5λ, भाई देखिए 3 × 2 = 5, 5λ, ये हो गए 18, 20, 30, सब 30 हो गए, तो ये हो गए 30λ = 5 से डिवाइड कर दिया तो आया 6, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।